आय से अधिक संपत्ति के मामले में डीएफओ को एक घर निगरानी करे। पटना में मिले हैं करोड़ों के फ्लैट के कागजात। खबर सुपौल से है, जहां निगरानी विभाग की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि निगरानी की टीम ने सुपौल के डीएफओ को घर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान निगरानी की टीम कैश, जेवर और करोड़ों रुपए के फ्लैट के कागजात को बरामद किया है। शनिवार की देर शाम निगरानी टीम ने भारी संख्या में पुलिस बल के साथ डीएफओ के घर के घेराबंदी कर डीएफओ की चल अनचल संपत्ति की जांच की। आपको बता दें कि डीएफओ ने सुनील कुमार शरण के आवास पर निगरानी विभाग ने छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक डीएफओ के खिलाफ पटना में आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर 28 अप्रैल को केस दर्ज हुआ था। जी हां, केस दर्ज होने के बाद निगरानी की टीम सुपौल पहुंची और डीएफओ के घर रेड किया, जहां 1.5 लाख कैश, जेवरात और पटना में करोड़ों रुपए के फ्लैट के कागजात मिले हैं। हालांकि निगरानी ने डीएफओ के 12 बैंक खातों के कागजात को भी सीज किया है। पूरे मामले पर निगरानी के डीएसपी संजय जायसवाल ने बताया है कि डीएफओ सुनील कुमार शरण के खिलाफ पटना के निगरानी थाना में मामला दर्ज किया गया था, जिसको लेकर कोर्ट ने आदेश मिलने के बाद डीएफओ के कार्यालय और आवास पर छापेमारी की है। डीएफओ के पटना स्थित आवास पर भी छापेमारी हुई है। आपको बता दें, सुपौल में निगरानी विभाग ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुपौल पद स्थापित डीएफओ सुनील कुमार सारण के आवास पर छापेमारी की। उनके खिलाफ पटना में भी आय से अधिक संपत्ति का मामला 28 अप्रैल को दर्ज हुआ था। इसी के आलोक में पटना में जांच के बाद निगरानी की टीम सुपौल पहुंची और यहां सबसे पहले उन्हें कार्यालय से लाकर उनके आवास पर जांच की गई है, जहां 1.5 लाख की नकदी, जेवरात और पटना में करोड़ों रुपए के फ्लैट के कागजात मिले हैं। वहीं निगरानी ने उनके 12 बैंक खातों के कागजात को भी सीज किया है। आपको बताते चले कि निगरानी की टीम करीब 2 घंटे तक यहां पर रहकर पूरी जांच कर रही थी। जी हां, बता दें कि निगरानी विभाग की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति का मामला डीएफओ के घर निगरानी की रेड और पटना में मिले हैं करोड़ों के फ्लैट के कागजात।